उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह बलरामपुर 85वीं वाहिनी एसएसबी कमांडेंट आशीष श्रीवास्तव कस्टम अधीक्षक सुरेंद्र राय तथा सशस्त्र सीमा बल सिद्धार्थनगर पुलिस बल एवं कस्टम विभाग की संयुक्त टीम ने कस्बा बढ़नी सीमा रेखा भारत नेपाल पर संयुक्त पेट्रोलिंग कर सुरक्षा का जायजा लिया। गश्त के दौरान आसपास के दुकानदारों रागीर वाहन चालक आदि की सघन जांच की और उनके वाहनों की तलाशी ली गई। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस बल एसएसबी व कस्टम विभाग के अधिकारी को अवैध तस्करी पर पूर्णतः रोक लगाने हेतु जरूरी निर्देश दिए। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से संवाददाता धर्मवीर गुप्ता की रिपोर्ट। हमारी एसएसबी की 50वीं बटालियन की कंपनी यहां पर डिप्लॉयड है और जैसा मैंने पहले भी बताया है और अभी भी कि हमारा और पुलिस का ओवरऑल काम एक ही है, उद्देश्य एक ही है। और इस विषय में आज हम लोग की एसपी साहब के साथ बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग के सहयोग से इस इलाके की जो छोटी मोटी समस्याएं हैं वो उनका निदान हो जाएगा। धन्यवाद। एसएसबी के 50वीं बटालियन के कमांडेंट साहब के साथ और उनके जवानों के साथ, असिस्टेंट कमांडेंट के साथ, लोकल थाना प्रभारी क्षेत्राधिकारी के साथ पेट्रोलिंग हुई, फिर उनके साथ मीटिंग हुई और उनकी समस्याओं को जाना समझा गया। इसका उद्देश्य ये था कि जो बॉर्डर से तस्करी, नो मैंस लैंड में इनक्रोचमेंट की भी शिकायत है, अन्य भी कुछ शिकायत है, कस्टम के अधिकारियों के साथ भी मीटिंग हुई थी, उनकी समस्याओं का निराकरण आपसी तालमेल सहयोग के साथ जो यहाँ की कानून व्यवस्था है उसको ठीक करना है।